फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। सो आज का जो मेरा वीडियो है, अर्ली मॉर्निंग रूटीन वीडियो, इसका रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिनों से आ रहा था। बट अर्ली मॉर्निंग ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो शूट करना थोड़ा शूट और बच्चे को रेडी करना, ब्रेकफास्ट बनाना, तो इसलिए मैंने अभी तक बनाया नहीं था ये वीडियो। बट देन आई थॉट चलो आज बना लेते हैं। सो मॉर्निंग में मैं अराउंड उठती हूँ 6:30 के अराउंड, 6:30 to 7 o'clock के बीच में आई जनरली गेट अप। बट आज थोड़ा जल्दी उठ गई बिकॉज आज मुझे शूट भी करना था। तो जब भी आप शूट करते हो तो आपका जो भी आप काम करते हो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। सो अलार्म बजती उठ के एकदम से तो मैं उठ नहीं पाती हूँ, मतलब मन करता है ना जैसा कि 5 मिनट और लेट जाऊँ, तो 5 मिनट और लेट के देन या फाइनली आई वेक अप। सो उसके बाद मैं जाती हूँ सीधा मंदिर में, जो मेरा मंदिर है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मुंह धो के जाना चाहिए भगवान के पास, बट मुझे सुबह उठ के सबसे पहले भगवान के पास जाके उनको प्रे करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक करने के लिए जो कल का दिन गया है, रात गया है, वो बहुत ही सुंदर गया है, अच्छा गया है, और भगवान आज का दिन भी बहुत अच्छा जाए, फुल एनर्जी प्रोवाइड करें। सो इस मंदिर से अब आई हूँ मैं दूसरे मंदिर में। जी हाँ, किचन हमारा मंदिर ही है, तो यहाँ पे हमारे अन्नपूर्णा देवी का वास है। सो सबसे पहले मैं किचन में आके अपने लिए गर्म पानी करती हूँ। गर्म पानी मैं बहुत टाइम हो गया है, मैं सुबह उठ के गर्म गुनगुना पानी जिसको कहते हैं वो पीती हूँ। इसमें मैं कुछ नहीं डालती हूँ, नींबू या फिर नथिंग एल्स, सिर्फ प्लेन गर्म पानी पीती हूँ, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप ये पानी पीते हो। दिस इज़ नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू वेट लॉस, इट्स जस्ट आपका जो बॉबल सिस्टम है उसको काफ़ी अच्छे से ये एक्टिवेट करता है, उसको सूद करता है। और यही टाइम होता है जब मैं आराम से बैठ के सिप करती हूँ गर्म पानी का। कुछ कुछ दिन होते हैं जब भागा दौड़ी होती है, जब आप लेट उठते हो, बट आज क्योंकि मैं जल्दी उठी थी तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो इस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि शब्द दोपहर को क्या बनाना है, खाना या फिर कुछ भी चीज़ें वो, और जो रात के आपके मैसेजेस वगैरह रह जाते हैं, मैसेजेस क्या आए हैं, वो सब मैं चेक करती हूँ इस टाइम पे। तो गुनगुना पानी पीने के बाद ही मैं फ्रेशन अप होती हूँ, मैं ब्रश वगैरह भी करती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि ऐसा आप मानते हैं कि आप सुबह उठ के जो आपका मुंह होता है उसमें आपको पानी पीना चाहिए, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सो आई हैव बीन फॉलोइंग दैट सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ। सो उसके बाद वापस मैं किचन में आती हूँ, दूध के पैकेट्स, दही या फिर जो भी आया होता है ना, उनको आजकल जैसे सब लॉकडाउन की वजह से ये एक एक्स्ट्रा काम हो गया है, उनको वॉश करके पैकेट्स को, अभी ये दूध वगैरह गर्म करना और दूध के पैकेट्स या फिर कोई भी प्लास्टिक पैकेट्स जो होते हैं उनको काटने के बाद या तो आप उसको पूरा मत काटो, या फिर अगर आप काट लेते हो तो मैं हमेशा जो छोटे पीस है उसको बड़े पीस के अंदर डाल देती हूँ गार्बेज में डालने से पहले। सो अभी चाय चढ़ा रही हूँ मैं। चाय में मैं हमेशा ही ये सिंपल बेसिक मसाले डालती हूँ, जैसे लौंग हो गई, इलायची, आपका अदरक और तुलसी पत्ता होता है तो वो भी डालती हूँ। सो अभी प्रिपेयर हो रही है मेरी चाय। तो जब तक चाय प्रिपेयर होती है, साइड बाय साइड मैं सुबह कोशिश करती हूँ जो लंच है, लंच की भी छोटी मोटी प्रिपरेशंस कर लूँ। तो मैंने मेथी को रात को ही धो लिया था, तो अभी मैं वही मेथी वगैरह काट रही हूँ। चावल, दाल, ये सब कुछ अगर बनाना होता है तो इसी टाइम पे मैं उसको फटाफट वॉश करके रख लेती हूँ। सो ये सब कटिंग, चॉपिंग और ये वॉशिंग अगर हो जाता है ना, तो लंच टाइम पे लंच बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है, बहुत जल्दी वो लंच बन जाता है। सो इस टाइम को मैं काफ़ी यूटिलाइज़ करती हूँ, फुल एनर्जी रहती है, तो जितना हो सके उतना काम मैं इस टाइम पर कर लेती हूँ। सो नाश्ते में मैं सेम इंग्रेडिएंट से दो रेसिपी बनाने वाली हूँ, अप्पे और चीला। तो उसको सोक करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा ग्लास ओट्स, आधा ग्लास सूजी और एक ग्लास से थोड़ा कम दही। उसमें पानी डाल के उसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। सो फाइनली बन गई है मेरी चाय, और मॉर्निंग की चाय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। काफ़ी लोगों के कमेंट आता है कि दीदी चाय इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैं बिल्कुल मानती हूँ ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर मुझे दिन में 2 बार चाय चाहिए होती है, एक बार मॉर्निंग को और एक बार शाम को। सो ये वन ऑफ माय फेवरेट कप है। आप सबके भी बहुत कमेंट आते हैं इस कप को लेके, और मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे गुड़ का पाउडर यूज़ करती हूँ मैं, ऑर्गेनिक गुड़ का। चीनी जितना हो सके उतना मैं अवॉइड करती हूँ। सो ये मॉर्निंग का मेरा सबसे बेस्ट टाइम लगता है मुझे बैठ के चाय पीना, और सामने व्यू बहुत ही सुंदर है मेरे डाइनिंग टेबल के, सामने नीचे बच्चों का पार्क है, पूरा ग्रीन है। सो आई रियली एन्जॉय दिस कप ऑफ टी। और येस, आई डू हैव बिस्किट। आप पूछते मैं कौन सा लेती हूँ, तो ये डाइजेस्टिव बिस्किट है। ये बिल्कुल हेल्थ की वजह से नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी लाइक इट्स टेस्ट, मुझे इसका टेस्ट पसंद है। सो अभी चाय के साथ मैं थोड़ा टाइम पास करती हूँ, क्योंकि ये टाइम मेरा टाइम है, मुझे दिस इज़ लाइक माई मी टाइम, जब मैं आराम से थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ, और इसके बाद तो वापस लग जाना है ब्रेकफास्ट में और हेक्टिक।
सो चाय पीने के बाद अब मैं बाकी सारे दरवाजे वगैरह खोल रही हूँ। वैसे इसका कुछ टाइम नहीं है, कभी चाय पीने से पहले, कभी चाय पीने के बाद। सो जाके बालकनी में एक बार खड़े होके मौसम को देखना, बाहर ग्रीनरी को देखना बड़ा अच्छा लगता है। और आजकल बहुत बारिश है महाराष्ट्र में, तो कपड़े रात को, कल से बारिश नहीं थी ज़्यादा, तो भाई मैं चेक करी थी कि सूखेगी नहीं सूखे, बाहर ही मैंने कपड़े छोड़ दिए थे। यहाँ पे फिर थोड़ा प्लांट्स, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स ग्रो करना। अभी पीछे मैंने कुछ कटिंग्स लगाए थे, तो मैं वही चेक कर रही थी कि उनमें और एक्स्ट्रा लीफ आए क्या। हर लीफ जब खुलता है, नए लीफ आती है, सो उसकी खुशी बहुत, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होती है उस चीज़ से। सभी वही प्लांट्स वगैरह को थोड़ा पानी वगैरह दे रही हूँ। अभी जो हमने सोक किया था पहले बैटर, उसमें डालने के लिए सब्जियां काट रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सी भी सब्ज़ी ले सकते हो। मैंने गाजर, प्याज, कैप्सिकम और कॉर्न्स लिए हैं। चॉपर की हेल्प से मैंने सबको बिल्कुल छोटा छोटा बारीक सा काट लिया है। चॉपर इज़ वेरी हेल्पफुल, अगर आपके पास नहीं है तो पक्का लीजिएगा, काम बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी बेसिक मसाले, नमक वो डाल रही हूँ मैं, लाल मिर्च डाल रही हूँ, तो मैंने चाट मसाला डाला था, गरम मसाला डाला था, धनिया पाउडर डाला था। यहाँ पे बेसिक सा छौंक तैयार कर रही हूँ मैं, मस्टर्ड सीड, जीरा और कड़ी पत्ता डाल के, और इसको मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा हींग डाला था। सो यहाँ पे मैं अनन्या को उठाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं अभी दूध उसका निकाल रही हूँ। उसको भी मैं गर्म पानी देती हूँ, और दूध में मैं उसको हमेशा हल्दी डाल के देती हूँ, या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में वन टाइम। मॉर्निंग में जनरली कम ही देती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ी खाली पेट उल्टी सी आती है, तो शाम को आई ट्राई टू गिव हर थोड़ा हल्दी डाल के। यहाँ पे फटाफट मैं यहाँ पे भी चढ़ा रही हूँ, बिकॉज इसको भी टाइम लगता है कुक होने में, तो जब तक मैं अनन्या को उठाऊँगी यहाँ पे ये भी पकता रहेगा। सो अभी 7:30 के अराउंड हो रहे हैं, तो मैं अनन्या को उठाने के लिए आ गई हूँ। अनन्या बहुत आराम से उठ जाती है, उसको उठने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसा चाइल्ड नहीं है कि उठने में बहुत परेशान करे। हाँ, पर गोदी मुठा के लेके जाना पड़ता है उसको सुबह सुबह। अभी उसको वही लेके जा रही हूँ, तभी वो पानी वानी पिएगी, दूध वगैरह पिएगी, ब्रश करेगी। वो सब करने के बाद इसको मैं अभी पहना रही हूँ यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म पहन लिया उसने। अभी थोड़ा सा वो अपना इधर उधर घूमती है, थोड़ा आलस करती है, तो तब तक यहाँ पे आपे भी मेरे कुक हो जाएंगे, उसका थोड़ा दूध डाइजेस्ट हो जाएगा जो उसने दूध पिया है। अनन्या को मैं इस टाइम पे नाश्ता दे देती हूँ। मैं इस टाइम पे नहीं करती हूँ, मतलब कभी कभी कर लेती हूँ, बट आज क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा मॉर्निंग में आज थोड़ा एक्सरसाइज भी मैं कर लूँगी। भाई उसको मैंने नाश्ता करवा रही हूँ यहाँ पर, उसकी बातें ख़त्म नहीं होती हैं, तो एक बार वो नाश्ता कर ले, फिर उसको स्कूल में मैं सेट कर दूँ, तो एटलीस्ट मेरा काफ़ी काम ख़त्म। उसके बाद फिर आज मेरे पास टाइम है, तो आज मैं एक्सरसाइज करने का सोच रही हूँ। एक्सरसाइज पहले मैं रेगुलरली एवरी मॉर्निंग करती थी, पहले तो जिम जाती थी, जिम बंद हो गया, तो उसके बाद रेगुलरली घर पर एक्सरसाइज करती थी मैं। बट देन अभी हाल फिलहाल एवरी डे तो नहीं हो पाता है, मॉर्निंग में एवरी डे नहीं हो पाता है, तो मॉर्निंग में नहीं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इवनिंग में करूँ। और इवनिंग में हम लोग वॉक पर भी जाते हैं, तो आई डू टेक केयर अपने हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा। इट्स गुड टू केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने वेट गेन किया था अराउंड 18 to 19 किलोज, जो आई हैव लॉस्ट इवेंचुअली बिकॉज ऑफ वेरी ये सब चीज़ें करके, खाने पर ध्यान दे के, एक्सरसाइज वगैरह करके। सो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, इनकेस यू वॉन्ट टू नो कि हाउ आई लॉस्ट माई वेट। सो या वही मैं बेसिक एक्सरसाइज यहाँ पर मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ, समवेयर अराउंड 40 minutes to 45 minutes का मैं एक्सरसाइज करती हूँ। आज मैं बेसिक योगा एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, जो बिल्कुल बेसिक होते हैं। सबसे पहले वार्म अप किया मैंने, फिर जो योगा है जितना मुझे आता है उतना मैं कर रही हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग वाला मैं नहीं करती, बिकॉज मेरे नीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं हल्के फुल्के जितना मैं कर सकती हूँ। एक्सरसाइज में हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने आप को स्ट्रेच ना करें, जितने आपके लिमिट्स हैं उसमें कर करके धीरे धीरे अपने लिमिट्स को आप बढ़ाएँ। मैंने पहले आपके साथ अब्डोमेन के एक्सरसाइजेस भी बहुत बार शेयर किए हैं, तो आज मैं योगा वाला कर रही हूँ। और योगा करने के बाद या फिर कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये जो पार्ट था काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट एंड में डाला नहीं है, बट एनी एक्सरसाइज के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कूल डाउन। एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद, मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ मेरे और सुभाष के लिए। सुभाष की जनरली रात को थोड़ा वर्क ज़्यादा रहता है, थोड़ा लेट सोते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट उठते हैं। उठने के बाद ही डेफिनेटली हेल्प्स मी विथ माई अदर वर्क्स टू, जब भी पॉसिबल होता है। अभी मैं और सुभाष नाश्ता करने वाले हैं साथ में।
तो यहाँ पे बनाया है मैंने चीला। सो वही जो बैटर था उसी को मैंने यहाँ पे डोसा जैसा, आप डोसा बोल सकते हो इसको, रवा डोसा, या फिर आप इसको ओट्स डोसा या फिर चीला बोल सकते हो। सो यहाँ पे वही सुभाष चाय पी रहे हैं और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। सो भी नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया, तो फाइनली हर चीज़ का एंड में क्लीनिंग क्लीनिंग होता है। सो अभी वन बाय वन मैं सब क्लीन करती हूँ, वन रूम या फिर वन हाउ ये आपका थिंग एट अ टाइम काइंड ऑफ। तो सबसे पहले मैं किचन का क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन में सारे बर्तन मैं नहीं धो रही हूँ, यहाँ पे धोने के लिए नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे चॉपिंग बोर्ड वगैरह और काफ़ी चीज़ें आफ्टरनून में लंच प्रिपरेशंस के लिए भी लगेंगे, तो उनको साइड में करके बाकी जितना है सब मैं सिंक में डाल रही हूँ, जिनको मैं बाद में वॉश कर लूँगी। फिर मैं किचन के बाद जाती हूँ मैं एनी रूम में भी, फॉर एन एग्जांपल मैं अनन्या के रूम में गई आज, तो आज पहले सबसे पहले मैंने अनन्या का रूम सेट किया। अनन्या का रूम सेट करने के बाद उसके बाद फिर यू नो बीच बीच में मैं ब्रेक भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली आई डू दिस। यहाँ पे आपको वीडियो में कंटिन्यूसली दिख रहा है और काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड दिख रहा है, बट येस ब्रेक ले लेके आई डू बीच बीच में पानी पी के। तो अनन्या के रूम के बाद आई एम गोइंग टू बेडरूम, अभी अपना बेडरूम प्रॉपर सेट कर रही हूँ। यहाँ पे भी अगेन मेनी टाइम्स माय हस्बैंड ही हेल्प्स मी, पर आज उनकी मीटिंग है सो ही इज़ अ लिटिल बिजी इन हिज मीटिंग। सो बेडरूम करने के बाद फिर देन आई कम टू ड्राइंग रूम। सो ड्राइंग रूम में भी मैं सारा पूरा सोफा वगैरह पहले सेट करूँगी, उसके बाद फिर मैं वैक्यूम मार देती हूँ। पोछा मैं एवरी डे नहीं करती हूँ बिकॉज ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, सो तीन चार दिन में एक ही बार पोछा करना इज़ एनफ। सो अभी मैं लगा रही हूँ बेसिक एक होममेड फेस पैक मेड ऑफ कोकोआ पाउडर। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोवर हो तो आपको पता है कि ऑफ लेटली मैंने अपने स्किन केयर रूटीन दिखाना स्टार्ट किया है मेरे व्लॉग में। अगर आप न्यू हो तो डू सब्सक्राइब इफ़ यू वांट मोर सच यू नो स्किन केयर और हेयर केयर जो मैं अपने वीडियो में दिखाती हूँ। आई स्टर्नली बिलीव कि यू नो इवन अगर आपका हेक्टिक लाइफ है, हेक्टिक शेड्यूल है, यू शुड टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अपने आप का ध्यान रखोगे ओनली देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। सो या दैट्स छोटा सा पॉइंट। मॉर्निंग के थोड़े बहुत बर्तन भी मैंने फटाफट वॉश कर लिए हैं, बहुत सारा हो जाता तो इकट्ठा हो जाता है, तो जो कांच वाले थे ना छोटे मोटे वो मैंने वॉश कर लिए हैं यहाँ पे। सो अभी मैं लगा रही हूँ कपड़े, बिकॉज अभी यू नो महाराष्ट्र में अभी मॉनसून का टाइम है, तो थोड़े थोड़े कपड़े रोज़ रोज़ या फिर एक दो दिन में कर लेना बेटर रहता है। सो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है अराउंड 11:30 और मेरा मॉर्निंग का सारा काम ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट या डन है। आफ्टरनून के लंच की प्रिपरेशंस भी मैंने काफ़ी हद तक कर ली है मॉर्निंग में, सो अभी आई कैन सिट एंड रिलैक्स। वैसे अभी मैं नहा के फटाफट पूजा कर लेती, बट सिंस माई हस्बैंड हैज़ ऑलरेडी डन दी पूजा, सो आई कैन नाउ सिट रिलैक्स, यू नो आराम से थोड़े यूट्यूब वीडियोज़ देख सकती हूँ, थोड़ा सा यू नो आपके कमेंट्स पढ़ सकती हूँ, थोड़ा सा टाइम पास कर सकती हूँ इस टाइम पे। तो मेरा फेस पैक भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, सो आई विल वॉश इट। और एक और चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं कि ये जो रूटीन मैंने आज शेयर किया है, सो ये आज का रूटीन था, हर रोज़ सेम रूटीन नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मैं दिखा सकूँ जो मेरा जनरली मैं करती हूँ अपने डे टू डे लाइफ में मॉर्निंग टाइम पे, वो आपके साथ शेयर करूँ। सो आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। सो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सो डू कम टू माई चैनल एंड थोड़े वीडियोस देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी फोटोज़ और वीडियोस डालती हूँ, तो एक बार वो भी देख लीजिएगा, अगर पसंद आए तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो चलिए मैं मिलती हूँ आपको दोबारा एक और नए व्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।